विधानसभा भितरवार के ग्राम बासोंडी से सांखनी रोड के हाल काफी ज्यादा बेहाल थे, जिसकी समस्या क्षेत्रवासियों ने वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जनसेवक मोहन सिंह राठौर को अवगत करवाई, जिसके बाद पूर्व विधायक ने तत्काल प्रभाव से रोड का निरीक्षण किया और प्रशासन से रोड को सुगम बनाने के लिए मांग भी की। साथ ही आपको बता दें, प्रशासन द्वारा जनसेवक मोहन सिंह राठौर और क्षेत्रवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए रोड को सही करने की स्वीकृति मिली है। भाजपा नेता और जनसेवक मोहन सिंह राठौर हमेशा से ही जनता के लिए कार्य करते आए हैं। आपको बता दें कि इस सड़क से तकरीबन 50 गांव के लोग आवागमन करते हैं और धूमेश्वर धाम महादेव मंदिर के भक्त भी इस सड़क से होकर गुजरते हैं। बदहाल हालत के कारण क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब वहां रह रहे लोगों को ये खुशी की सौगात मिली है। इसके साथ ही जनसेवक और भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह राठौर ने सभी ग्रामवासी और खुद की तरफ से प्रशासन का आभार और धन्यवाद भी किया है। ये भितरवार विधानसभा क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सबके परिवार के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उसने हमारी सारी मांगों को पूरा किया है। चिनोर से करहिया से भितरवार की रोड हो, देवरी कांचे से मोना की रोड हो, यहाँ से भितरवार से करेरा बनियानी की रोड हो, ये सारी रोडें की हैं। लेकिन ये एक रोड ऐसी थी कि जिसमें धूमेश्वर धाम जाने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को, जो भक्तगण हैं उनको और 50 गांव के लोग इस रोड से रोज निकलते हैं। ये रोड 5 साल के लिए बनी थी, लेकिन हैवी ट्रैफिक होने की वजह से ये रोड खराब हो गई। अब इस रोड के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से 3,75,00,000 रुपये स्वीकृत कराए हैं और इस स्वीकृति के बाद ये जो रोड आज प्रारंभ हुआ है, जिसका काम आज प्रारंभ हुआ है, इसके बाद मैं पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सांसद हैं विवेक नारायण सेजवलकर जी, प्रभारी मंत्री जी और पंचायत ग्रामीण विकास के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ग्रामीण क्षेत्र की जनता की तरफ से कि उन्होंने ये 4 करोड़ रुपया इस क्षेत्र को दिया है, जिससे पूरी रोड बनके तैयार होगी और इस क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग पूरे होने जा रही है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद।